नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए प्रोग्राम अंत दुखों का में, जिसमें आज हम आपकी भेंट करवाएंगे आचार्य मुनीश शर्मा जी से, जो कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक ही आपके पूछे गए प्रश्नों का हल उनसे पूछने के लिए आज हम आपके रूबरू हुए हैं। आज आपसे भेंट करने के लिए आचार्य जी हाजिर हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे आचार्य जी, जो कि जानना चाहते हैं कि जैसा आज का समय चल रहा है, बहुत से लोगों को कर्जा ले लेकर अपना काम आगे चलाना पड़ता है, अपना गुजारा करना पड़ता है, लेकिन लोगों को समस्या ये आ रही है कि कर्जा वो ले तो लेते हैं, लेकिन वो कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा आचार्य जी, अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों को जो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से उपाय करें जिससे जो उनका कर्जा है वो धीरे 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 करके उतरना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आज की जो भागा दौड़ी की जिंदगी में हर बंदा चकाचौंध की लाइफ जी रहा है। अगर आमदनी उसकी अठन्नी है तो कर्जा वो रुपया उठा के भी अपना करने की कोशिश करता है और अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से जीने की कोशिश करता है। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बंदे का हक है अपने आप को लेविशली जीना और लेविशली रहना है, लेकिन मैं आपसे ये सुजेशन आपको ये जरूर दूंगा कि सबसे पहले अपने पॉकेट को देखिए। अगर आप उस पॉकेट को मैनेज कर पा रहे हैं तो ही आप कर्जा उठाइए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों को वैसे ही कर्जा उठाने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार कुछ परिस्थितियां, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कई बार कोई घर में बीमारी आ जाती है, बिल्कुल, या कोई और मजबूरी आ जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में देखिए, जब भी किसी यहाँ पे ना, मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि कौन कौन से ग्रह जो ऐसे है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कर्जा उठाने के लिए। इस कंडीशन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, जिस बच्चे का राहु खराब है, राहु देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा भी देता है, लेकिन अगर वो खराब है तो वो ऐसी कंडीशन बना देगा कि बंदे की हालत बद से बदतर होती जाएगी। इस कंडीशन में अगर कोई भी जातक अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, राहु की स्थिति को अच्छा कर लेता है, तो उसके कर्जे पहली बात तो उसको उठाने ही नहीं पड़ेंगे। और अगर किसी ने कर्जा ले लिया हुआ है या वो कर्जे की स्थिति में जा रहा है तो उसको कर्जा धीरे धीरे अपने आप ही उसका उतर जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें राहु को ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जिसके बारे में हमारे दर्शकों को भी अच्छे से ज्ञान नहीं था, पता नहीं था। तो इसका जो समाधान है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें राहु जो है वो यहाँ तो अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए या हमें उसे प्रसन्न करना चाहिए, तो वो कैसे किया जा सकता है? देखिए बेटा, ऐसा होता है कि राहु वैसे तो हमें हमेशा हमारी कुंडली के हिसाब से ही हमें फल देता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमने खुद ही क्रिएट कर रखी होती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे घर के अंदर ही हम बात कर लेते हैं, जिन लोगों के घरों में टॉयलेट में स्मेल आती रहती है, टॉयलेट का दरवाजा टूटा हुआ है, टॉयलेट में कोई ना कोई सीपेज लीकेज चलती रहती है, तो उनके कर्जे कभी खत्म नहीं होंगे, ये तो 100% है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, जैसे कई लोगों को आदत होती है वो जल्दी जल्दी बात करने की, वो बात को आधी मुंह में ही खा जाते हैं और बाकी की दूसरे बंदे को अच्छे से समझा नहीं पाते, तो ये भी एक कंडीशन होती है राहु को खराब करने की। तो मैं इन जातकों को ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके घर की टॉयलेट्स में किसी तरह की कोई त्रुटि है, कोई खराबी है, तो उसको ठीक करिए। घर टॉयलेट को महकने के लिए वहां पे परफ्यूम या फिर कोई ओडोनिल वगैरह कुछ यूज करिए। और इसके अलावा अगर आप बहुत तेज बोलते हैं या फंबल करते हैं, बात को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा सा स्लो बोल के अपनी नेचर में चेंज ला के इसका फायदा लेना चाहिए। तो ये आपको मैंने एक तरीके से बताया जो राहु खराब की स्थिति में हम कर्जा लेते हैं। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो लोग अपनी अय्याशी के लिए पैसे
उठा लेते हैं, कर्जा उठा लेते हैं जिनका राहु खराब होता है। इसके अलावा कई बार कर्जे का कारण मंगल भी बन जाता है। जिन लोगों का मंगल खराब होता है वो ज्यादातर मैंने कर्जाऊ देखी है। जिन लोगों का चंद्रमा, मैं आपको ये फिर से समझाने जा रहा हूं, जिन लोगों का चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है, मैंने उनको आज तक कर्जे से बाहर निकलते नहीं देखा। तो जो भी जातक जिनका चंद्रमा वीक है, अपनी कुंडलियां चेक करिए, अगर आठवें घर का चंद्रमा है या फिर नीच का चंद्रमा है तो वो कर्जा उठाते वक्त ना कभी भी झिझक नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर वो अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करते जाएंगे, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते जाएंगे, बर्फी चढ़ा देंगे, व्हाइट चीजें चढ़ाएंगे, चंद्रमा की चीनी चढ़ा सकते हैं या चंद्रमा की कोई और आइटम चढ़ा सकते हैं, तो ये चीजें चढ़ाने से उनका कर्जा खत्म होने लगेगा। तो ये हमारे, मैं दर्शकों को ये जरूर बताऊंगा कि अपने चंद्रमा को अगर वो स्ट्रांग कर लेंगे तो वो कर्जा मुक्त हो सकते हैं। आचार्य जी, अगर हमने कर्जा ले लिया है या फिर हमसे किसी ने कर्जा ले लिया है, हमारे पैसे फंस गए हैं, तो वो इंसान, उसके पास पैसा भी है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ज्यादातर लोगों के पास पैसा भी है लेकिन वो हमें फिर भी उसका रिटर्न दे नहीं रहे। ऐसा इसलिए होता है, देखो मैं आपको ना इसके लिए आपको फिलहाल मैं उपाय ही बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं ये एलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा कि ये किस ग्रह के कारण हो पाता है। ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ भी बन जाती है, लाइक अगर कोई बंदा, सपोज आप ही ने किसी को पैसे दे रखे, अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, फ्रेंड को दे रखे हैं, और आपके मांगने पर वो वापस नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता, ठीक है ना, ऐसी भी कंडीशन बन जाती है, तो उस कंडीशन में आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, ये रामबाण उपाय है। आप लगातार 3-4 बार 5 बार अगर ये कर लेते हो तो आपके पैसे, फंसे हुए पैसे वापस डेफिनेटली मिलते हैं। तो करना क्या है, हर बुधवार आप एक करी गोला, जिसको नारियल वाला गोला बोलते हैं, अंदर से खाली होता है, ऊपर से इसको काट लेना है। स्क्रीन में भी अभी आप इसको देख सकते हैं, इसको ऊपर से काट के इसके अंदर नील भरना है, जिसको जैसे हम घरों में नील यूज करते हैं, कपड़ों में लगाते हैं, वो कोशिश करनी है हमने ड्राई फॉर्म में यूज करना है। आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो लिक्विड वाली फॉर्म आप यूज ना करें, आप ड्राई फॉर्म उसको फिलअप करके वो उसका ऊपर वाला भी जो कैप होगा उसको भी उसके अंदर ही डाल देना है, और सिर से 7 बार वारना है क्लॉकवाइज। मैं फिर से दिखा देता हूं, इसको ऐसे ऐसे करना है आपने 7 टाइम, और किसी भी नदी के ऊपर, पुल के ऊपर चले जाके जोर से ऐसे फेंकना है, ये मन में सोच के कि जिस बंदे ने भी आपके पैसे लिए हैं वो हमारे पैसे वापस कर दे। ये उपाय आप करके देखना, डेफिनेटली जो जो भी इस कंडीशन में होगा, जिसके पैसे फंसे हुए, जो वापस नहीं मिल रहे हैं, वो 100% वापस देके जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद आचार्य जी। ये जो था प्रश्न, हमें बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से व्हाट्सएप के थ्रू आया था, तो आज की कंडीशन, आज की डेट में माहौल ही आजकल ऐसा चल रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स और लेन देन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आजकल के जैसा कि आपने बताया हमारे लाइफ स्टाइल्स के कारण। तो ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है। मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी कि वो ये उपाय करें, और उसके बाद उनको क्या इसका रिजल्ट मिलता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिप्लाई करें। और अगर और किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या है, कोई भी उलझन है, दुविधा है दिमाग में, वो व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज कीजिए हमारे चैनल पर अंत दुखों का में, हम वो इसको आपके यहाँ पर आपके सामने ही आचार्य जी के साथ वो रूबरू होकर वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। इसके अलावा मैं आप सभी दर्शकों का आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कर्जे की बात कर रहे हैं आप, सबसे पहले कर्जा अगर आपको लेने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या किया करो, कर्जा लेने से पहले आप हनुमान जी के मंदिर जाया करिए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद वहां पे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्रभु मैं आज ये कर्जा उठाने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो जिस भी कारण ये मैं कर्जा उठाया है या उठाने जा रही हूं, उस कार्य को पूर्ण करने के बाद मैं इतने सक्षम हो जाऊं कि ये कर्जे को वापस कर सकूं, ऐसा अनुरोध करिए भगवान हनुमान जी के चरणों में। मेरा ये मानना है कि आपका कर्जा डेफिनेटली खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक रामबाण साथ में आपको ऐड ऑन उपाय दे दिया, तो ये भी जरूर करें। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी जो हमारे दर्शकों की तरफ से आया है व्हाट्सएप पे, वो ये है कि हमारे कुछ
लोग हैं जैसे जिनको पता नहीं है, आमतौर पर वो वास्तु स्पेशलिस्ट को घर पर बुलाते हैं या उनसे सजेशंस लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारे टॉयलेट्स जो हैं वो घर के वो ठीक पोजीशन में नहीं है, उसके कारण कुछ समस्याएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये ज्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं, हमें पता ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं होता बेसिकली कि उनकी टॉयलेट सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और ये भी पक्का है कि 90% टॉयलेट्स घरों के अंदर गलत डायरेक्शन में बनी होती है, तो गलत डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होगी तो उस डायरेक्शन का उनको हमेशा नुकसान झेलने को मिलता ही मिलता है। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इन टॉयलेट्स में से सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट छोड़ के हम सभी की सभी टॉयलेट्स का उपाय कर सकते हैं और मात्र कुछ चंद रुपयों का ये उपाय होता है। मतलब आप या तो पेंट यूज कर सकते हो या फिर वहां पे स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो, जो कि मात्र 1000 रुपए के अंदर अंदर आप इस उपाय को कंप्लीट करवा सकते हो। और अपनी टॉयलेट को अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। और जो भी आपको जितने भी प्रॉब्लम्स टॉयलेट से रिलेटेड फेस करने को मिल रहे थे वो ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है चैनल पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को चेक कर लेना और जहां जहां भी आपकी टॉयलेट है उसके हिसाब से आप उपाय कर लेना। तो ये आपके लिए, जो भी दर्शक चाहते थे कि उनको उनका परमानेंट सोल्यूशन मिले, तो इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, मैं दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी अगर उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि हर किसी के घर में जो टॉयलेट है, सही बात है, एक चीज में आपको और बता देता हूँ कि अगर किसी भी बंदे को नहीं पता चलता कि उनकी डायरेक्शन गलत है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में डाल अपना, आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी हमारा नंबर दिया गया, आपको जहां तक हो सकेगा आपको डेफिनेटली गाइड किया जाएगा, क्योंकि हर किसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसके टॉयलेट सीट के नीचे जो कलर यूज होता है वो अलग रहेगा। जैसे कि हमारी 16 डायरेक्शन है, 16 में से एक डायरेक्शन को छोड़ के बाकी 15 डायरेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तो अगर ठीक हो जाती है तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। डिस्क्रिप्शन में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया है आचार्य जी से, आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कुछ भी समस्या हो आपको, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या डायरेक्शन बताई गई है, लिंक से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं। ये हम आपके नए सवालों के साथ व्हाट्सएप पे जो आप हमें भेजेंगे उसके साथ आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अच्छा आचार्य जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार।